हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स मिट्टू पात्रा को। तो आज का टॉपिक है वही जो पिछले वीडियो में डाल रखे थे, शेडेड ट्विल। शेडेड ट्विल इज ऑफ टू टाइप, सिंगल शेडेड एंड डबल शेडेड। तो पिछला वीडियो में हमारा सिंगल शेडेड कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका अपीयरेंस कैसे आता है कपड़े में, ये पूरा डिस्कशन किए थे। और आज का टॉपिक है तो उसका दूसरी टाइप जो है, सेकेंड टाइप, डबल शेडेड ट्विल वीव। तो उसके ऊपर ये टॉपिक फुल रहेगा। हमारे वीडियो ध्यान से देखिए और वीडियो देखते देखते आप भी बाकी लोगों को शेयर कीजिए ये हमारा चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स। और इसमें बाकी जो डबल शेडेड ट्विल वीव है उसको आज बढ़िया से डिस्क्राइब करेंगे। तो सिंगल शेडेड एंड डबल शेडेड ट्विल वीव में क्या अंतर है वो बताएंगे। तो पहले तो शेडेड ट्विल क्या है कि जैसे कि कल मैं बताया था, जो डायगोनल लाइन जा रहा है उसका मोटी लाइन पतला लाइन अगर एक वीव के अंदर आ रहा है, एक रिपीट के अंडर जो डायगोनल लाइन बनता है उसका कभी थिक लाइन आता है, थिन लाइन आता है, इससे भी थिक लाइन आता है, या तो डायगोनल लाइन के डिफरेंट थिकनेस का अगर लाइन क्रिएट होता है एक रिपीट में, तो वो जो लुकिंग आएगा वो शेड जैसा दिखेगा, छाया दिखेगा डायगोनल लाइन का, तो उसको बोलेंगे शेडेड ट्विल। तो सिंगल शेडेड में हम बोल रहे थे कि उसका फॉर्मूला है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मान लो तीन नंबर लेते हैं, 3, 2, 1, और नीचे करते थे 1, 2, 3, और ये तीनों ग्रुप में करके हर ग्रुप का एंड स्पीक कितना कितना लगेगा, फिर तीनों को जोड़ के जितना आया उतना का ग्राफ बनाते थे एंड स्पीक का, फिर बाद में ये सभी जो 3/1, 2/2, 1/3 लिफ्टिंग है उसको एंड वाइज भर देते थे। और उसमें क्या है, तीन अलग अलग शेड बनता था जो डायगोनल लाइन का, जैसे कि 3/1 में मोटी लाइन बनता था, 2/2 में उससे पतला, 1/3 में सबसे पतला। तो ये होता था हमारे सिंगल शेडेड ट्विल वीव। और उसमें क्या है, ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर है ऊपर 3/1, और नीचे वाला हो गया असेंडिंग ऑर्डर 1/3। तो डबल शेडेड में क्या है, यही अंतर है, ये सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर लेके करते थे और नीचे का असेंडिंग ऑर्डर में लेके करते थे। अभी क्या है, बोथ डिसेंडिंग एंड एक्सेंडिंग ऑर्डर को हम ऊपर ही लेंगे और नीचे लेंगे असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग, यानी कि दोनों को कंबाइन करेंगे। जैसे कि 3/1 डिसेंडिंग ऑर्डर में है, फिर आगे क्या रहेगा, 1, 2, 3, ये हो गया असेंडिंग। पहला वाला ये सिंगल शेडेड, ये भी ये 3/1 डिसेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर 1/3, और दोनों को जो नीचे का क्या रहेगा 1/3, जैसे ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग, ये असेंडिंग, तो ये रहेगा डिसेंडिंग में 3/2/1। तो क्या समझे, जैसे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर रख के ये सिंगल शेडेड ट्विल हो गया, फिर उसको 3/2/1 के सिक्वेंस में जा रहे थे, हम अब इसको अपोजिट में लेंगे 1/2/3 के सिक्वेंस में। जैसे ऊपर का अपोजिट हुआ वैसे ही 1/2/3 नीचे का था, तो नीचे का भी अपोजिट होगा 3/2/1। तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे और बीच में हमारा ये वाला जो ग्रुप है ये कॉमन आ रहा है, तो उसको दो बार ना लेके एक ही बार लेंगे। तो ये क्या होगा फॉर्मूला, 3/2/1/2/3, फिर 1, ये हो गया 2, ये दोनों को एक ही लिया तो 1/3 वन टाइम लिखा गया है, 2/2 फिर 3/1, और ये फॉर्मूला को अपना के हम बनाएंगे डबल शेडेड ट्विल वीव। ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, जो सिंगल शेडेड में था वही रखेंगे, बाकी इसका जो सीक्वेंस है इसको अपोजिट कर देंगे, 3/2/1 की जगह आगे रखेंगे 1/2/3, और नीचे है 1/2/3 उसको कर देंगे 3/2/1, फिर बीच में जो ग्रुप, दो ग्रुप आते हैं कॉमन, उसको एक ही बार लेंगे, तो बाकी जो बनेगा 3/1, 2/2, 1/3, एक ही कॉमन एक ही बार लिया, और 2/2, 3/1, ये फॉर्मूला का आधार करके हमारे कितना ग्रुप बना, 1, 2, 3, 4, 5 ग्रुप, और ये 5 ग्रुप का पर ग्रुप का कितना एंड्स है, 3/1, 4 एंड्स 4 पिक, ये 4 एंड्स 4 पिक, 4 एंड्स 4 पिक, 4 एंड्स 4 एंड्स 4 पिक, 4 एंड्स 4 पिक, यानी सभी में 4 एंड्स एंड 4 पिक का ये रिपीट साइज है। और हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ग्रुप हैं, तो 5 ग्रुप में क्या लगेगा, 4 4 करके 20
20 एंड्स लगेंगे और पीक भी लगेंगे 20, 20 गुना 20 का ये रिपीट साइज होगा जो डबल साइडेड इसको लेकर बनाएंगे डबल साइडेड 12 वेव, यानी सिंगल साइडेड में जो सीक्वेंस है उसको अपोजिट कर देंगे, बीच वाला जो कॉमन वाला ग्रुप है उसको एक ही बार लेके फिर उसका जो ये बनेगा ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के आधार पर ग्रुप में कितना एंड्स पीक है और टोटल ग्रुप कितना है ये सारा का मिला के जो रिपीट साइज निकलेगा उसी रिपीट साइज के हिसाब से हमको क्या ग्रुप ग्राफ बनाना है और उसी ग्राफ में हम भरेंगे जितना ग्रुप बना है उसका लिफ्टिंग का सारे को एंड वाइज भर देंगे। तो उसमें जो इफेक्ट क्रिएट होगा जो डिजाइन बनेगा वो होगा डबल साइडेड 12। तो इसको अभी याद रखिए, इसी को मैं एग्जांपल लेकर अभी ग्राफ बनाऊंगा। तो उसका क्या है 3x1 2x2 1x3, तो उसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख दे रहा हूँ 3x1 2x2 1x3 2x2 3x1, क्योंकि मेरे को ये मिटा के यहाँ पे ड्रॉ करना है इसके लिए मैं इसको एक जगह और लिख दिया 3x1 2x2 1x3 2x2 3x1। उसका अभी डिसाइड करते हैं कितना साइज लगेगा, ये 20x20 ये सही है या गलत ये भी देखना है। 3x1 4x4 पिक 4x4 यानी 4x8 4x12 4x16 4x20 एंड्स और 20 पिक का ये रिपीट बनेगा, यानी कि ग्राफ बनाएंगे 20 एंड एंड 20 पिक का एक ग्राफ बनेगा अभी, और उसी ग्राफ में ये जो लिफ्टिंग है तो उसी को कंबाइन करके भरेंगे और जो इफेक्ट आएगा वो होगा हमारे क्या डबल साइडेड 12। तो अभी मैं 20 एंड्स एंड 20 पीक का एक रिपीट बना दे रहा हूँ 20 एंड्स एंड 20 पीक। बीस एंड्स ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप ध्यान से देखिए उसको 2 3 4 ये हुआ 5 ये हुआ 6 ये हुआ 7 7 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक हुआ। तो इसको यहीं कहीं ऊपर कवर कर एडजस्ट कर रहे हैं 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तीन लाइन और करना है ना, इसको फिर साइड कर लेते हैं। इसको लिखते हैं यहाँ पे 3x1 2x2 1x3 2x2 3x1 3x1 2x2 1x3 2x2 3x1। तो इसको भी अभी मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को जगह नहीं मिला, इसको दोबारा से मिटा के यहीं पे लाइन खींचते हैं। अभी 20 पिक तक लाइन 17 पिक तक खिंचाऊँ, तीन लाइन और खींचना है 17 हो गया, ये हो गया 18, ये हो गया 19, ये हो गया हमारा पूरा ऊपर 20, ठीक है 18 19 20, ठीक है अब तो हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 लाइन हो गए पीक में, ये हो गया हमारा पीक के डायरेक्शन में। अब उसका एंड्स ड्रा करेंगे, उसमें एंड्स ड्रा करेंगे 1 2 3 4
पांच, छः, सात, आठ, नौ, ये हुआ दस, ये हुआ ग्यारह, ये हुआ बारह, ये हुआ तेरह, ये हुआ चौदह, ये हुआ पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, लास्ट में ये हो रहा है बीस। अभी हैंड में ड्रॉ किया हूँ इसके लिए लाइन टेढ़ा हो रहा है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कैसे उसका लिफ्टिंग भर रहा हूँ। बाकी लाइन टेढ़े से कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी गिन लेते कितना कितना हुआ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अट्ठारह, उन्नीस एंड बीस। ये हो गया साइज 20x20 पिक का, 20 एंड 20 पिक का। ये रिपीट अपना ड्रॉ किए हैं ग्राफ में, और उसमें भरेंगे 3x1, 2x2, 1x3, 2x2 और 3x1। तो ये सबको भरेंगे, और ये बेसिक टूल जो है उसके आधार पर ये अपने भरेंगे और एंड वाइज भरेंगे। ठीक है ना, एक एंड में ये एक को पूरा, एक, दो, तीन, चार, पांच अलग अलग जो टूल है उसको भरेंगे, फिर दूसरे एंड्स में, तीसरे एंड में, ऐसे करके 20 एंड्स तक ये पूरा फिलअप करेंगे। तो उसको अभी दिखा रहा हूँ कैसे हो रहा है। 3x1 2x2, फर्स्ट उसका आएगा 3x1, 1 2 3, 3x1, 2x2, एक दो, 2x2 हुआ, फिर 1x3, 1 अप, एक दो तीन, तीन डाउन हुआ, फिर 2x2, 2x2 यहाँ पे, फिर हुआ 3x1, एक दो तीन अप। ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया। इस तरह हमें अभी ये पूरे 20 एंड 20 पिक को मैं कंप्लीट करूँगा ये ग्राफ को, जबकि ये टूल के बेसिक प्रिंसिपल पर बनेगा, तो स्टेप वाला इफेक्ट होगा, एक बॉक्स आगे आगे बढ़ते रहेंगे पूरे लास्ट तक। तो अभी ये टूल लाइन बेसिक टूल के आधार पर बनेगा, तो मैं उसको उस तरह डायगोनल लाइन जैसे बनता है ना टूल, वैसे उसको क्रॉस लगा के ये लास्ट में एंड हुआ। ठीक है, ये तो बेसिक टूल का है, कि जो बेसिक प्रिंसिपल है टूल लाइन टूल का, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक या तो प्रिंसिपल है, तो उसी में भर देंगे ये पांच अलग अलग टूल को। 3x1 बनना है ना, 3 अप हो गया, ये सब में 3 अप करना है ना पहले, 3 अप हो गया, ऐसे करके हम भर दे रहे हैं, फिर यहाँ पे दो, 19, ये वाली ना, हाँ ये वाली, फिर वहाँ पे नीचे से दो। ठीक है ना, कहीं गलत तो नहीं गया ना, ये लाइन में इसके नीचे ये आ गया, ऊपर एक और तो नीचे दो, यानी ये 3x1 को कवर कर लिया। फिर 2x2 करना है, 1 यानी कि यहाँ पे पॉइंट देना है, 3 अप हुआ, 1 डाउन किया, अभी फिर ये आएगा 3 अप 1 डाउन यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, ठीक हुआ ना, अप, ठीक है, 3x1 को भर दिए हैं। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एंड वाइज भी भर सकते हैं, जैसे मैं इसको भरा। ठीक है, 2x2 करना है अभी, 1 2x2। ठीक है, तो 2x2, फिर यहाँ पे 2x2 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 2x2, ठीक है, इस तरह 2 अप 2 डाउन, यहाँ पे भी 2 अप 2 डाउन। ठीक है,
यहाँ पे टू अप, टू यहाँ पे डाउन हुआ, यहाँ पे टू अप हुआ, इस लाइन में नीचे से डाउन, फिर यहाँ पे टू अप करना है ना, ये वाली लाइन कहाँ, यहाँ पर टू अप हुआ, टू डाउन हुआ, फिर थ्री बाई वन करके यहाँ पे टू अप टू डाउन करना था ना, ये वाली टू अप टू डाउन हुआ, फिर आगे वाली ये थ्री बाई वन टू अप टू डाउन, ठीक है, फिर ये वन टू अप टू डाउन, ठीक है, फिर ये टू अप टू डाउन, यानी कि थ्री बाई वन टू बाई टू को हम अभी ड्रॉ कर चुके हैं, बचा वन बाई थ्री, ठीक है, वन बाई थ्री कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी एक नंबर एंड वाइज भी भर दे रहा हूँ, ये मतलब ट्वेल्व के प्रिंसिपल पर बन रहा है, और एक को एंड वाइज ही भर रहे हैं, तो वन बाई थ्री भरेंगे ना, थ्री बाई वन हो गया, टू बाई टू भी भर दिए, वन बाई थ्री को भरना है कहाँ से, यहाँ से, टू बाई टू अपना यहाँ से भरा था क्या, चलो थ्री बाई वन इस लाइन, तीसरे लाइन का भी मैं भरा नहीं था अभी, थ्री बाई वन डाउन हुआ, थ्री बाई वन भी डाउन हुआ, ठीक है, उसके बाद हमें करना था टू बाई टू ना, टू बाई टू, फिर यहाँ पे टू बाई टू, ठीक है, ठीक है, हो गया, और क्या, थ्री बाई वन टू बाई टू, 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 ये चलता रहा, अभी क्या है, फिर करना है वन बाई थ्री, यहाँ से वन बाई थ्री करना है, वन अप थ्री डाउन, ठीक है, फिर वन अप एक दो थ्री डाउन, वन अप एक दो थ्री डाउन, वन अप एक दो थ्री डाउन, फिर वन अप एक दो थ्री डाउन, वन अप एक दो तीन डाउन, वन अप एक दो तीन डाउन, वन अप एक दो तीन डाउन, वन अप एक दो, यहाँ पे ये डाउन होगा, फिर वन अप एक दो तीन डाउन, ठीक है, फिर आगे वाला वन अप एक दो तीन डाउन, फिर टू बाई टू करके यहाँ पे ख़त्म हुआ था, टू बाई टू में वन अप एक दो तीन डाउन, ठीक है, टू बाई टू यहाँ पे ख़त्म हुआ था, वन अप एक दो तीन डाउन, फिर वन अप एक दो तीन डाउन, फिर वन एक वन अप एक दो तीन डाउन, फिर वन अप एक दो तीन डाउन, फिर वन अप एक दो तीन डाउन, फिर यहाँ भी एक वन अप एक दो थ्री डाउन, वन अप एक दो तीन डाउन हो गया, यानी कि मैं अभी ये लिफ्टिंग को कंप्लीट कर दिया, टू बाई टू थ्री बाई वन फिर से भरना है, टू बाई टू थ्री बाई वन, थोड़ा प्रोसेस लंबा हो रहा है, देखिए कैसे भर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं इसमें, प्रिंसिपल ट्वेल का जो प्रिंसिपल है उसी के आधार पर बन रहा है, टू बाई टू थ्री बाई वन, टू बाई टू थ्री बाई वन, इसको एंड वाइज भी दिखा दे रहे हैं, ऐसे भरेंगे नहीं, एंड वाइज दिखा दे रहे, टू बाई टू थ्री बाई वन, अभी हमारा कहाँ तक गया था, थ्री बाई वन टू बाई टू वन अप थ्री डाउन, फिर यहाँ से भरेंगे टू बाई टू, ठीक है ना, टू बाई टू, ठीक है, फिर थ्री बाई वन थ्री अप, नीचे हो गया वन डाउन, ठीक है, यही भरना है ना, टू बाई टू थ्री बाई वन, ठीक है, ये हो गए, तो इस लाइन में टू बाई टू हो गया, थ्री बाई वन वन टू वन टू, यहाँ पे थ्री अप वन डाउन, ठीक है, ये वाले भी वैसे भरेंगे, टू अप टू डाउन, एक दो थ्री अप वन डाउन, ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ, इसमें भी टू अप टू डाउन, फिर भर रहे हैं, डाउन हो गया ना ऊपर, थ्री अप एक दो तीन अप वन डाउन, फिर इसको भी भरेंगे, टू अप टू डाउन हुआ, थ्री अप हुआ, फिर वन डाउन, फिर ये वाले में भी वही भरेंगे, टू अप टू डाउन, फिर थ्री अप वन डाउन, फिर यहाँ पे भी टू अप किया, फिर टू डाउन किया, एक दो थ्री अप किया, वन डाउन किया, फिर यहाँ पे कहाँ ख़त्म हुआ था, ये वाला टू वन अप थ्री डाउन हुआ था ना, यहाँ पे हो गया था, ठीक है, तो नीचे से स्टार्ट होगा ये, टू अप टू डाउन, फिर हुआ थ्री अप वन डाउन, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ,
टू बाई टू डाउन, थ्री ऑफ वन डाउन, फिर वहाँ पे टू ऑफ टू डाउन, थ्री ऑफ वन डाउन, यहाँ पे भी टू ऑफ टू डाउन, थ्री ऑफ वन डाउन, यहाँ पे क्या होगा, फिर टू ऑफ टू डाउन, थ्री ऑफ वन डाउन, यहाँ पे भी फिर होगा टू ऑफ टू डाउन, थ्री ऑफ वन डाउन, फिर यहाँ पे भी वही हाल, टू ऑफ टू डाउन, थ्री ऑफ वन डाउन, टू ऑफ टू डाउन, थ्री ऑफ वन डाउन, टू ऑफ टू डाउन, थ्री ऑफ वन डाउन, ऐसे करके मैं भर रहा हूँ अभी, टू ऑफ टू डाउन, थ्री ऑफ वन डाउन, टू ऑफ टू डाउन, थ्री ऑफ वन डाउन, फिर यहाँ पे टू ऑफ टू डाउन, थ्री ऑफ वन डाउन। तो यहाँ पे अगर मैं कहीं मिस्टेक करता ना तो ये लाइन जाके वहाँ कंप्लीट नहीं होती, ठीक है ना। तो अभी इसमें क्या है, आपको तो समझ में आ गया, सिंगल सीटेड में जैसे लिए थे डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर नीचे रखे थे असेंडिंग ऑर्डर, तो सिंगल सीटेड जैसा ही फॉर्मूला लगेगा, फिर पहला जो डिसेंडिंग ऑर्डर करके जहाँ तक लिए थे उसके आगे से फिर ऑपोजिट में लेना है, बीच में जो कॉमन आएगा उसको एक ही बार लेंगे, उसके बाद निकला ये फॉर्मूला में हम डिसाइड के कितना एंड्स एंड पीक लगेगा, उसके बाद ये 3/1, 2/2, 1/3, 2/2, 3/1 को हम एंड वाइज भर दिए। कैसे भरे, 3/1 हुआ, 2/2 हुआ, फिर 1 अप 3 डाउन, फिर 2/2, फिर 3 अप 1 डाउन, वैसे साइड में हर मतलब एंड में यही रिपीट है, पर ये क्या फॉलो कर रहे हैं, हमारा टूल मतलब टूल का जो बेसिक प्रिंसिपल है टूल बनाने का, उसी को फॉलो कर रहा है। अभी उसको मैं थोड़ा डीप लाइन है, इसको टूल लाइन जैसे मतलब प्रोग्रेस हुआ है उसी में थोड़ा मैं कॉन्स्टेंट मतलब ड्रॉ कर दे रहा हूँ डीप लाइन जैसा, तो उसका कैसा इफेक्ट आएगा कपड़े में वो आपको नज़र में अभी दिखाएगा पूरा अच्छा से। अभी थोड़ा इसको जो डायगोनल लाइन है उसको मैं थोड़ा डीप लाइन बना देता हूँ वहाँ पर, ये डबल शेडेड टूल है। ठीक है, यहाँ तक है, ये डीप कर दिया, फिर ये वाले को जो थ्री अप वन डाउन वाले को डीप किया अभी, ये देखिए जहाँ पे ये स्टेप इफेक्ट बना है डायगोनल लाइन का उसी आधार पर ये डीप कर दे रहा हूँ, ये डायगोनल लाइन इस तरह है, इसको डीप करने से पता भी चलेगा कि इफेक्ट कैसा दिख रहा है कपड़े में। अभी कुछ दिख रहा होगा, ये स्टेप वाइज 3/1 वाला जो लिफ्टिंग में भरा था उसका ये डायरेक्शन में आ रहा है, फिर उसका आगे वाले को मैं क्या ऐसे नहीं उसको लाइन पे रखूँगा कि अलग अलग सेड है ना, तो अलग अलग करके दिखाएंगे। तो ये वाला का देखिए कैसा बन रहा है, इस तरह जा रहे ना कट कट करके, मैं क्या ये हाथ में कर रहा हूँ थोड़ा सही से नहीं आ रहा, पर समझ में आना जरूरी है ताकि, और कुछ नहीं, ये देखो वो लाइन को कट करके जा रहा हूँ वहाँ तक, फिर ये वाले को भी वैसे कर दे रहा हूँ जैसे इसमें किया था, ये मतलब बस इफेक्ट कैसा दिखेगा वो इसलिए कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, फिर इसको वहीं ऐसे ही कर दे रहे हैं, देखो ये इफेक्ट आ रहा है, फिर ये वाला ये देखो डीप लाइन हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं,
जिस तरह क्रॉस गया है उसी तरह को फॉलो करके ही बनाएंगे। फिर यहाँ देखो इस तरह, टाइम लगेगा लेकिन टाइम से कोई लेन देन नहीं, अपने को क्या है समझना है। देखो ये क्या 3x1, ये वाले जो भरा था ये लाइन, फिर ये आगे में जो 3x1 लास्ट में है उसका ये लाइन, यानी कि ये हो गया दो लाइन एक साथ, यानी डबल सेट बना। ये दो लाइन 3x1 दो बार है तो उसका डबल सेट बना, इसके लिए इसको बोलते हैं डबल सेटेड। फिर यहाँ पे 3x1 का भी बना, यहाँ पे भी बना, ठीक है। फिर 2x2 का भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर 1x3 डाउन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर 2x2 डाउन यहाँ पे भी है, इधर भी है, ठीक है ना। ये डबल सेटेड सेट डबल डबल बन रहा है। एक पहला वाला जो ये था यहाँ पे, ये 3x1 डाउन हो गया। ये जो लाइन था अभी देखिए, इसको भी अलग कर दे रहा हूँ। 3x कहाँ से ये अलग होगा, यहाँ से ही होगा। ये देखिए इस लाइन से डिजाइन का ये हो जाए आधा वाला जो लाइन, इससे यहाँ ऊपर 3x1 है, नीचे में भी 3x1 है। ये भी डबल बना 3x1 का, 2x2 का यहाँ पे भी बना और यहाँ पे भी बना। ये देखिए ये भी 2x2 का है, यानी कि 2x2 दो सेट बना, 3x1 का भी दो सेट और 1x3 डाउन, ये भी अपना 1x3 डाउन का भी, एक उस साइड में एक नीचे वाले साइड में भी, ये लाइन यानी कि सेट बन रहा है। टू लाइन का डिफरेंट थिकनेस का लाइन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 2x2 डाउन वाला है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये डबल सेटेड ट्विल, ठीक है ना। 2x2 डाउन, 2x2 डाउन ऐसे करके, ये भी यहाँ पे भी है, 2x2 डाउन करके ये भी है। 3x1 का ये वाला 3x1 हो गया एक, ये भी 3x1 का दूसरा सेट। 2x2 का यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर नीचे में भी है। 1x3 का भी है, 1x3 का, यानी डबल साइड में ये सेट बन रहा है, इसके लिए इसको बोलते हैं डबल साइडेड टूल। उसके कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में डालिए, मैं इसको फिर से बताऊँगा। उसमें कुछ करना नहीं है, जो सिंगल सेटेड में है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में एक तो बना देना है ग्रुप, फिर आगे उसको अपोजिट फॉलो करना है। बीच में जो कॉमन आएगा उसको एक ही बार में लेना है, फिर बाद में एक ग्रुप बनाएंगे। इस ग्रुप से पर ग्रुप में कितना एंड्स क्या है, पीक कितना है, तो जितना ग्रुप है टोटल उतने ग्रुप के लिए कितना एंड्स पीक चाहिए, उस हिसाब से रिपीट साइज डिसाइड करेंगे। रिपीट साइज डिसाइड करने के बाद हमें उसको क्या है ग्राफ में भर देना है उसी लिफ्टिंग के अकॉर्डिंग। तो फिर बाद में जो बनेगा ये होगा डबल सेटेड टू लिफ्ट। और इसको मैं डीप लाइन में इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए, जो भी सेट बनना है 3x1 का, 2x2 का, 1x3 का, सब एक ही रिपीट में दो दो बार आ रहा है, डबल सेटेड उस साइड में भी आ रहा है, इस साइड यानी डबल सेट बन रहा है, इसके लिए इसको नाम है डबल सेटेड टूल। तो हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए और आगे भी और भी वीडियो डालेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक।